गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. नाउ चैप्टर नंबर 4, स्टोरी ऑफ वाटर. इन प्रीवियस सेशन वी हैव लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर एंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड फॉर्म ऑफ वाटर. तो सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या थे? हमारे मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है रेन एंड स्नो, और इनका पानी कहाँ कलेक्ट होता है? लेक्स, रिवर, अंडरग्राउंड एंड वेल. प्रॉपर्टी ऑफ वाटर्स, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कैसी होता है? प्योर वाटर कहता होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ये किसी भी शेप में डालो तो उसका आकार ले लेता है, और ये कलरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है. नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर. फॉर्म्स ऑफ वाटर में 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, लिक्विड यानी पानी को अगर हम फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में, तो वो आइस बन जाएगा, जो कि वो सॉलिड फॉर्म होगा. और उसी को अगर हम गर्म करेंगे तो वो भाप बन के उड़ेगा, तो वो हमारा गैसियस फॉर्म कहलाएगा. नाउ वाटर साइकिल. टॉपिक इज वाटर साइकिल. वाटर इज अ फ्लोइंग सब्सटेंस. ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लेक, रिवर, ओशन एंड पोंड चेंजेस इंटू वाटर वेपर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन. यानी पानी बहते हुआ पानी ड्यू टू हीट, यानी वाटर इज फ्लोइंग सब्सटेंस, यानी पानी क्या है, लिक्विड क्या है, फ्लोइंग बहते हुआ वस्तु है. ड्यू टू द हीट ऑफ द सन यानी सूरज की गर्मी की वजह से वाटर धरती के सरफेस, वाटर जो है वो धरती पर जो तालाब, नदी, पोखर या समुद्र जो होते हैं उनमें से भाप बन के उड़ता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इवोपरेशन. द वार्म एयर नीड्स द ग्राउंड कैरीज द वाटर वेपर इनटू द स्काई. यानी वार्म एयर नीड द ग्राउंड कैरियर, यानी जमीन गर्म हवा जो है वो भाप बन के कब हवा में उड़ेगा? जब उनको धरती से वो ऊपर की तरफ जाएगा, हाई अप इन द स्काई, यानी धरती से ऊपर आकाश की तरफ. द कोल्ड एयर मेक्स द वाटर पेपर कूल. द हाई अप इन द स्काई यानी ऊंचे आकाश में ठंडी हवा जो है वो वाटर पेपर को ठंडा कर देती है, और इट इज़ कॉल्ड कंडेंशन. यानी जब पानी ऊपर भाप बन के उठता है और वहाँ जो आकाश में ठंडी हवा होती है वो उसको ठंडा कर देती है, कूल कर देती है, और वो कहलाता है कंडेंशन. इट टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. यानी कि ये किस में टर्न हो जाता है? छोटी छोटी पानी की बूंदों में. दिस टाइनी ड्रॉप्स टूगेदर फ्रॉम क्लाउड क्या बनते हैं? और ये छोटी छोटी बूंदें जब आपस में मिलती हैं टूगेदर, तो ये क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं, यानी बादल बनाते हैं. वी रिसीव रेन फ्रॉम दिस क्लाउड विच इज स्टोर इन लेक्स, रिवर, ओशन एक्सेट्रा. और जब हमको ये रेन, बारिश प्राप्त होती है इन बादलों से, तो ये कहाँ पर भरता है ये पानी? लेक्स, रिवर, ओशन एक्सेट्रा में. दिस इज़ अ कंटिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. ये एक प्रक्रिया कंटिन्यू चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और इसको हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब ये देखो, पानी भाप बन के उड़ रहा है. यहाँ पे आपको ये जो भाप दिख रही है ये कहाँ जा रहा है? ऊपर. तो ये प्रोसेस क्या हो गया? इवोपरेशन, रेन रन ऑफ. ठीक है, अब ये ऊपर जा कर के ठंडा हो रहा है, बादल का रूप ले रहा है, तो ये क्या बन रहा है? कंडेंशन. और ये प्रिसिपिटेशन यानी बादलों से पानी की बूंदें नीचे की तरफ आ रही हैं. माउंटेन्स पे गिरती है, माउंटेन से बह करके पानी जो है वो नदी में आता है, नदी में स्टोर होता है जब बारिश बन के गिरती है. तो ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. बच्चों, आपको ये डायग्राम आपकी कॉपी में ड्रॉ करना है. वॉट विल हैपन इफ वाटर साइकिल स्टॉप. क्या होगा जब पानी का ये चक्र रुक जाएगा? If water cycle stop, there will be no rain and the water of the earth either will finish or will become very much polluted and unless useless. The result will be that there will be no life on earth. यानी अगर ये पानी का चक्र रुक जाता है तो धरती पर कोई बारिश नहीं होगी, धरती पर कोई पानी नहीं होगा, और जो होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जितना भी पानी बचेगा वो पल्यूटेड हो जाएगा और वो पानी काम के योग्य नहीं रहेगा. तो इसका परिणाम क्या होगा कि देर इज़ नो लाइफ, यानी धरती पर जीवन जीना संभव नहीं होगा. प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर यानी पानी को हम शुद्ध कैसे कर सकते. वी कैन फिल्टर द वाटर इन वाटर फिल्टर टू रिमूव द इम्प्योरिटी. यानी हम वाटर को वाटर फिल्टर के द्वारा
प्योर कर सकते हैं उसकी इम्प्योरिटीज़ दूर करके। इफ़ द वाटर इज़ बॉइल फॉर 10 मिनट्स ऑल द जर्म्स आर किल, यानी अगर हम पानी को 10 मिनट के लिए उबाल लें तो सारे जर्म्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। वाटर डैट इज़ बॉयल एंड कूल इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग, यानी पानी जब गर्म होकर ठंडा हो जाता है तो वो पीने योग्य होता है, सुरक्षित होता है। वी कैन यूज़ सम केमिकल्स लाइक क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट एक्सेट्रा टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, यानी कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि हम पानी में इनकी एक निश्चित मात्रा में इनको हम पानी में डालेंगे तो पानी में जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने योग्य पानी को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। इन सिटीज़ एंड टाउन वाटर इज सप्लाई टू द हाउसेज थ्रू पाइपलाइन, यानी अब सिटीज़ में, शहर में पानी जो है वो पाइपलाइंस के थ्रू भेजा सप्लाई होता है। दिस वाटर इज स्टोर इन स्टोरेज टैंक, और ये पानी जो है वो बहुत बड़े बड़े पानी के टैंकों के अंदर स्टोर किया जाता है। दिस वाटर इज़ फिल्टर्ड एंड प्योरीफाइड, इस पानी को पहले फिल्टर किया जाता है और प्योरीफाई किया जाता है। वी गेट दिस वाटर थ्रू द टैप्स इन अवर, और ये पानी हम तक कैसे पहुंचता है, नलों के द्वारा हमारे घरों में पहुंचाया जाता है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड स्टोर वाटर इन क्लीन यूटेंसिल, अब हमको पानी को क्या करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, और पानी को हमको किस में संग्रहित करके रखना चाहिए, साफ़ सुथरे बर्तनों में हमको पानी को स्टोर करके रखना चाहिए। वी शुड ड्रिंक ओनली फ्रेश वाटर, हमको हमेशा ताज़ा पानी ही, स्वच्छ और ताज़ा पानी ही पीना चाहिए। वी शुड नॉट पुट अवर हैंड्स इन ड्रिंकिंग वाटर, अब हमको पीने के पानी में कभी भी हाथ डालना नहीं चाहिए। पानी निकालने के लिए हमारे घर में एक उलसनी या पानी निकालने का जो बर्तन होता है उससे हमको निकालना चाहिए। वी शुड ड्रिंक वाटर इन अ क्लीन ग्लास, अब हमको पानी जो है एक स्वच्छ और साफ ग्लास में पीना चाहिए। वी शुड कीप वाटर कवर्ड, हमेशा पानी को हमको कवर्ड करके रखना चाहिए। नाउ बुक एक्टिविटी पेज नंबर 28, टेक द करेक्ट ऑप्शन। ऑल लिविंग बींग्स नीड डैश टू लिव, अब सभी जीवित ह्यूमन बींग्स को क्या, किसकी ज़रूरत है, वाटर की, जिंदा रहने के लिए। वाटर कवर द डैश ऑफ द अर्थ सरफेस, अब धरती के कितने पार्ट को पानी ने कवर कर रखा है, 2/3 को, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट थ्रू, जमीन के, धरती के अंदर जो पानी होता है उसको हम किससे बाहर निकाल सकते हैं, हैंडपम्प के थ्रू, ठीक है। वाटर साइकिल इज एन डैश प्रोसेस, वाटर साइकिल की प्रक्रिया क्या है, ऑन गोइंग, यानी निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, तो ऑन गोइंग, ओके। नेक्स्ट, वी शुड नॉट डैश द वाटर, हमको पानी को क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके। ट्रू एंड फॉल्स, वाटर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, पानी को बिजली बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ट्रू। प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर टू रिमेन अलाइव, फॉल्स, पानी, पौधों को पानी नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो ये फॉल्स है। वाटर इज मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ, पानी जो है वो कॉमन यानी समान है अर्थ पर, ट्रू। प्योर वाटर इज स्वीट इन टेस्ट, प्योर वाटर का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, फॉल्स। वाटर एग्जिट इन 4 फॉर्म, पानी 4 तरीके से पाया जाता है, फॉर्म्स में होता है, नहीं, 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये फॉल्स। इन सिटीज वाटर इज स्टोर इन स्टोरेज टैंक, शहरों में पानी को बड़े बड़े टैंकों में स्टोर किया जाता है, ट्रू। रेन एंड स्नो आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, यानी ताजे पानी का मुख्य स्रोत बर्फ और बारिश है, तो ट्रू। मैच द फॉलोइंग, आइस, आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, तो किससे मैच करेंगे, सी से। वेपर, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यानी भाप कौन सा रूप है, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है, तो डी से मैच करेंगे। इवोपरेशन, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी पानी को जब हम गर्म करते हैं तो किस में बदलता है, वाटर वेपर में, तो बी से मैच करेंगे। कंडेंशन, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, यानी पानी जब भाप बनता है और वो ठंडा होता है तो किस में बदलता है, वाटर में, तो ए से। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी वो है आपको आपकी कॉपी में करना है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ए जो है वो आपको बुक में ही फिल करना है। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।